नमस्कार, मैं मुस्कान मेरू रिंग के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। खराब मुकद्दर पर शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, अपने सर को दीवार पर मारने से भी कुछ नहीं होगा। अगर मेरू रिंग पहने हो अपनी उंगली में तो सुनामी भी आ जाए, आपका बाल भी बाका नहीं होगा। इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं देश के मशहूर कलाकार और महान ज्योतिषी राज तिलक जी। राज जी, आप तो एक मशहूर कलाकार हैं। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए मैंने फिल्म लाइन की बहुत सी महान हस्तियों की भविष्यवाणियां की थी जो सच साबित हुई। खास तौर 90s के एक बहुत ही बड़े मशहूर हीरो मेरे खास दोस्त रहे हैं और मुझसे एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस भी लेते रहे। सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि इस मेरू रिंग को कछुए का आकार क्यों दिया गया? जी देखिए, मेरू कछुए का ही एक नाम है। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु का अवतार ही है कछुआ। क्षीर सागर में जब अमृत मंथन हुआ था तो डोलते हुए मंदार पर्वत को सहायता देने भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लिया था। उसी समय सागर से लक्ष्मी माता भी प्रकट हुई और उनके साथ भगवान विष्णु का विवाह हुआ था, इसलिए मेरू रिंग को कछुए का आकार दिया गया है। और ये रिंग नहीं है, ये साक्षात विष्णु आपके साथ हैं। इस मेरू रिंग को अपनी उंगली में पहन ले तो हर समस्या का समाधान हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। देखिए, भगवान विष्णु ने अपने भक्तों की रक्षा करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए 9 अवतार लिए थे और 10वां अभी कलयुग में लेना बाकी है। उन 9 अवतारों में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली और भाग्यशाली अवतार जो है कच्छप का है, यानी कछुए का स्वरूप। अगर ये कछुए का स्वरूप आपके पास है तो स्वयं भगवान विष्णु आपके पास है। सर, ये तो समझ में आ गया कि इस मेरू रिंग को पहन लेने से दुख परेशानी और सारी समस्या का हल मिल जाएगा, लेकिन क्या इसको पहनने से मनुष्य की आयु लंबी होगी या नहीं, धन प्राप्त होगा कि नहीं और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा कि नहीं? जी, आयु बिल्कुल लंबी होगी। देखिए, धन प्राप्ति के लिए हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं जो भगवान विष्णु की ही पत्नी है, तो यूं कहिए कि हम भगवान विष्णु को ही याद करते हैं। इस मेरू रिंग के माध्यम से माँ लक्ष्मी हमें आशीर्वाद देती है जिससे हमें धन प्राप्त होता है। इस अंगूठी को पहनते ही आपके चारों ओर एक आभा मंडल यानी एक औरा सा बन जाएगा जो सौभाग्य को आपकी तरफ आकर्षित करेगा, लेकिन परेशानी दुख तकलीफ वगैरह सारे दुर्भाग्य को आपकी तरफ आने से बिल्कुल रोक देगा। इसीलिए हमने वैदिक मंत्रों का विधि पूर्वक जाप करके ये अंगूठी बनवाई है। 11 ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चारण से सिद्ध की हुई ये मेरू रिंग मात्र एक अंगूठी ही नहीं बल्कि स्वयं विष्णु जी आपके साथ हैं मेरू रिंग के रूप में।